दोस्तों, आज के फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। अगर आप लोग के पास भी 250 वाट का एम्पलीफायर है, अगर बार बार आप लोग को ख़राब हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे भाई नहीं जानते हैं इनको ऑपरेटिंग करना, उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं आप लोग किया, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का रिलेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ और आप लोग के बीच में मैं लाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप YouTube पे वीडियो देखते होंगे, जो भाई DJ बजाते हैं सो भी वीडियो बनाते हैं, जो नहीं बजाते हैं सो भी बनाते हैं। मैं खुद बजाता हूँ, मैं चलाता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं तब आप लोग के सामने में शेयर करता हूँ। और जो भाई बजाते ही नहीं है वो तो कुछ भी बता देंगे, आप लोग उलझ जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल सामान कहाँ पे है, तो वहाँ से आप लोग निचोड़ निकालिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं ये सही जानकारी है। इसीलिए आप लोग एम्पलीफायर को किस तरह आप चला सकते हैं जो आप लोग के लिए बेस्ट हो, तो मैं आज बताऊंगा। आप लोग को कोई सा भी कंपनी का एम्पलीफायर हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरे पास फ़िलहाल आहूजा का एम्पलीफायर है, तो आप लोग के पास कोई सा भी कंपनी हो तो उसके कोई मायने नहीं रखता है। तो इसको सिर्फ सेटिंग क्या करनी है, तो इस एम्पलीफायर पे आप कितना स्पीकर चला सकते हैं, कितना हॉर्न चला सकते हैं, इस पर कितना चला सकते हैं, कितना प्लेन नोट चला सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो। तो बहुत सारे भाई तो कमेंट करते हैं, भैया मैं इस पर 1000 वाट का लोड दे देता हूँ, 500 वाट का लोड दे देता हूँ, 400 वाट का लोड दे देता हूँ। भाई आप अगर 2000 का भी लोड देंगे तो ये चलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। जिसको जितना क्षमता है आप उतना ही हिसाब से लोड दीजिए, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। मान के चलिए कि आपको उठाने का वजन है 30 kg, आप पे 50 kg का लोड दे देगा तो क्या होगा, फिर आप नहीं चल पाइएगा। तो इसी के हिसाब से ये एम्पलीफायर भी है। इसको उठाने का क्षमता है 250 वाट, मैं वाट में समझाता हूँ या किलो में आप लोग समझ लीजिए। इसको उठाने का क्षमता है 250 किलो, और इस पर 500 किलो लोड डाल दीजिएगा तो क्या होगा, ये एम्पलीफायर बैठने लगेगा। तो यही खासियत है। तो इसीलिए इसको जितना फ्री करके रखिएगा उतना आपको प्रेशर बना करके आवाज़ को लॉन्ग थ्रू मारेगा। जैसे 250 वाट का एम्पलीफायर है, तो इस पर आप 220 वाट का लोड दीजिए, 230 वाट का लोड दीजिए, तो 20-30 वाट को अगर फर्क रखते हैं तो आप लोग को क्या होगा, आवाज़ को इतना प्रेशर बना के और ये लॉन्ग थ्रू आवाज़ देगा। तो इसीलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, अब आप लोग को समझने की बारी आ गई है। अब आप लोग वीडियो तो बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो अन्यथा आप लोग समझ नहीं पाइएगा, फिर आप लोग मशीन ख़राब कर लीजिएगा, स्पीकर उड़ा लीजिएगा, हॉर्न ड्राइवर कटा लीजिएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये जो पैनल देख रहे हैं, जो हमारे भाई नहीं जानते हैं, ये जो पैनल देख रहे हैं, ये पैनल आप लोगों को, इस पर आप प्लेन नोट भी चला सकते हैं और स्पीकर भी चला सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग स्पीकर 12 इंच को इस पर चलाना चाहते हैं, 15 इंच की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 12 इंच का बात कर रहा हूँ, अगर इस पर आप लोग 12 इंच का स्पीकर चलाना चाहते हैं, तो 12 इंच को 100 वाट का स्पीकर लीजिए, जो 8 ohms का आता है। तो 100 वाट का स्पीकर लीजिएगा तो वो स्पीकर, एक स्पीकर 8 ohms को आपको मिलेगा। तो 8 ohms का स्पीकर आप दो ले लेना है। तो दो स्पीकर को अगर आप पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं, तो देखते होंगे जो सिंगल जो बॉक्स बना हुआ आता है आहूजा का, एक 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ रहता है और एक HF लगा रहता है, जो देख रहे हैं आप लोग ऊपर में। तो ये स्पीकर अगर आप लोग दो चलाना चाहते हैं, तो इसको पैरेलल कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, ओम्स घट जाएगा। तो 8 को 2 से काटिएगा तो कितना बचेगा, 4। तो देख सकते हैं कॉम और यहाँ पे 4 ohms दिया हुआ है, तो आपको इसी पे कनेक्ट करने हैं। तो लाल वाला आपको कॉम में लगाना है, और जो काला वाला तार होता है वो कॉम में लगाना है, ये कॉम में लगाना है। और काला वाला तार आप अगर बॉडी में भी सटा दीजिएगा, तब पर भी आप लोग को स्पीकर चलने लगेगा। आपका काला वाला तार कहीं पर भी एम्पलीफायर को टच कर दीजिएगा तो वो चलने लगेगा, सिर्फ लाल वाला आपको फोरम में लगाना है। तो ये हो गई स्पीकर की जानकारी, और स्पीकर की मैं जानकारी बता रहा हूँ। अगर आप डबल 12 इंच का जो स्पीकर वाला आता है तो वो चलाइएगा, तो दो इस पर मत चलाइएगा, तो दो अगर चलाते हैं तो 4 स्पीकर हो जाता, 4 स्पीकर का वाटेज हो जाता है 400 वाट, और HF लगा करके तो फिर 500 वाट हो जाएगा, तो फिर HF को मायने नहीं रखता है। तो 400 वाट इस पर आप लोग लोड नहीं दीजिए,
वैसे तो लोड आप जिसको 2000 का भी दीजिएगा तो वो भी चला देगा, चलाने के लिए तो कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन ये एम्पलीफायर फिर जल जाएगा तो फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए आपको लोड देना है तो इसके हिसाब से ही लोड दीजिए। 250 वाट का मशीन है तो आप 300 वाट तक लोड दीजिए, 400 वाट मत कीजिए। तो आप लोग को अगर 12 इंच का चलाना चाहते हैं तो दो स्पीकर वाला बॉक्स चलाना चाहते हैं तो एक एक बॉक्स ही चलाइए, अन्यथा आप दो स्पीकर चलाना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल बॉक्स में दो स्पीकर लगवाइए, फिर ये दो कॉम ओम पे लगाइए। और अगर यूनिट चलाना चाहते हैं तो प्लेन यूनिट, इस पे प्लेन यूनिट आप दो से स्टार्ट कीजिए, एक मत इस एम्पलीफायर पे लगाइएगा, एक लगाइएगा तो फिर जल जाएगा, तो दो लगाइए। तो दो एक यूनिट आता है आपको 16 ओम का, आप चाहे 40 वाट का लीजिए, 60 वाट का ले लीजिए, 80 वाट का ले लीजिए, 100 वाट का ले लीजिए, तो वो आता है प्लेन यूनिट आपको 16 ओम का। 16 ओम यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है, यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, 4 ओम लिखा हुआ है और 8 ओम लिखा हुआ है। तो आपको जब भी आपको इस एम्पलीफायर पे प्लेन यूनिट चलाना है तो दो से स्टार्ट करना है, तो दो यूनिट अगर लेते हैं तो 8 ओम पे कनेक्ट कीजिएगा, 4 लीजिएगा तो यहाँ पे 4 ओम पे कनेक्ट कीजिएगा, 8 लीजिएगा तो 2 ओम भी इस पे नहीं दिया गया है तो आप 4 ओम पे चला सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरह से चलेगा। अब ये हो गई आपकी प्लेन यूनिट और स्पीकर की जानकारी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, तो जो ट्रांसफार्मर वाला यूनिट आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाला जो यूनिट है इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो ये जो आप लोग के पास यूनिट है तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम है, 70 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो आपको अगर एक यूनिट लगाते हैं तो कॉम और 100 वोल्ट में लगाइए, दो यूनिट लगाते हैं तो 100 वोल्ट में लगाइए, तीन यूनिट लगाते हैं तो 100 वोल्ट में लगाइए, 5 यूनिट तक आप 100 वोल्ट में लगाइए। तो 100 वोल्ट में कैसे लगाना है, तो आपको लाल वाला यहाँ पे 100 में लगाना है, कॉम वाले को आप जो काला वाला होता है उसमें कॉम में लगाइए, लाल वाला 100 में लगाइए और काला वाला आप कॉम में लगाइए, काला वाला यहाँ पर नहीं लगा करके आप अर्थिंग में भी लगा देते हैं तो फिर भी आपका यूनिट बजेगा, तो आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पे जब दिया गया है लगाने वाला तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये अर्थिंग का काम करता है। तो 50 वाट का अगर चलाते हैं तो 5 चलाइए इस पर, 40 चलाते हैं तो 6 चलाइए, आपको परफेक्ट आवाज़ देगा। कभी आपका अगर इस सिस्टम से अगर आप लोग चलाएंगे तो मैं लीक करके दे दूंगा कि आपको एम्पलीफायर कभी नहीं ख़राब होगा। आप 20 साल चलाइए, 25 साल चलाइए, आपका कभी एम्पलीफायर भी ख़राब नहीं होगा, ना आपका यूनिट ख़राब होगा, ना आपकी स्पीकर ख़राब होगी, कोई चीज़ आपको ख़राब जल्दी नहीं होगा अगर इस हिसाब से अगर आप लोग चलाते हैं तो। दोस्तों आप लोग को कभी भी चलाना है तो इसी कनेक्शन से आप लोग को चलाना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप इस पे 10 हॉर्न चलाते हैं तो कॉम और 70 वोल्ट में लगा करके चलाइएगा, आप लोग कभी भी 100 वोल्ट में नहीं लगा करके चलाइएगा। तो यहाँ पे कॉम और 70 वोल्ट में लगा करके चलाइएगा, 100 वोल्ट में नहीं लगाएगा। तो चलिए यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ छूट गया होगा हमसे तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर जो भी आप लोग को भला बुरा कमेंट हो आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, तब मैं और आप लोग को अच्छा अच्छा जानकारी मैं आप लोग के सामने में शेयर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।